हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू की कतलियाँ। तो आलू की कतलियाँ कैसे बनाई जाएंगी, जो तो कि बहुत कम समय में फटाफट बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वीडियो को बिना स्किप के बगैर देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो इस आलू की कतलियाँ को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, आपके बच्चों को और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, मैं आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, आलू को हमने जो पीसेस किए ना, इससे हमने कतलियों के साथ से गोल पीसेस किए हैं। इसी के साथ हमने टमाटर और हरी मिर्च भी ले ली है, जिसे हमने बहुत बारीक कटिंग की है। इसी के साथ हमने लाल मिर्च भी ली है और इसमें हमने हरी मिर्च और अदरक को कोटिंग करके डाला है। तो अभी क्या करें ना, फटाफट बनाना है तो फ्लेम पे एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल डालेंगे। हम आपको यही कहेंगे कि आप इसमें सरसों का तेल की रेसिपी को बनाइएगा, क्योंकि आप रिफाइन के तेल से बनाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, जो हमने यहाँ पर आलू को कतले को पीसेस में करके रखा था उसको डाल देंगे। इसको जब हम फ्राई करेंगे ना, इसे मीडियम फ्लेम पे 9 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, तो जो हमारे आलू हैं पूरी तरीके से पक जाएंगे। तो जब इसमें क्या करना है, ताकि हमारे आलू अच्छे इससे पूरी तरीके से पके, तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और जब भी इसे हम फ्राई करेंगे ना, तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो जब इसमें आप तेल डालिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालिएगा, क्योंकि जब हम आलू को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद इसमें कम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे आलू हैं उसका पूरी तरीके से कलर भी चेंज हो चुका था और इसको हमने पूरी तरीके से फ्राई भी कर लिया। तभी क्या करना है, इसको हम निकाल लेंगे और इसे काट के दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे आलू इसे 95% पका लिया है, तो लगभग ये पूरी तरीके से पक ही चुके हैं। तो अभी क्या करना है, जो हमारे कढ़ाई में तेल है उसमें डालेंगे लाल मिर्च जो हमने ली थी, तो उसको डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, तो जो हमारे लाल मिर्च है वो काले हो जाएंगे। तो अभी उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप इसमें तेल कम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कम नहीं करना तो उसमें भी आप बना सकते थे। इसमें मैं थोड़ा सा तेल कम कर दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जो मैं टमाटर को कटिंग करके रखा था उसको डाल देंगे, और जो यहाँ पर हमने अदरक और हरी मिर्च को कूट के रखा था उसको डाल देंगे। अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। अब कलर लाने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर हमने हरी मिर्च को दो मिर्च को कटिंग करके रखा था पहले से ही, तो उसको डाल देंगे। अभी क्या करना है, टमाटर हमें पकाना है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। इसे कवर करके 2 मिनट की मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और जो हमारी लाल मिर्च है जिसको हमने फ्राई किया था, इस तरीके से इसको चूरा कर लेंगे और चूरा करके ही डालेंगे। तो हमेशा क्या होता है, हम लाल मिर्च पाउडर डाल के बनाते हैं, तो इस तरीके से आप मोटा मोटा करके डालिएगा, इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत अलग ही आता है। तो अब मिर्च को भी डाल देंगे लाल वाली, और जो हमारे आलू की कतली है ना उसको भी डाल देंगे, ताकि हम जो मसाले हैं उसको अच्छे से पका कर तैयार करेंगे तो तभी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसमें मैं आलू की कतलियों को भी डाल दिया, और अभी क्या करना है, इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे पूरी तरीके से, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि अच्छे से पूरी तरीके से पक कर तैयार हो, जो इसका टेस्ट है ना पूरी तरीके से इसका टेस्ट आए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया, अभी क्या करना है, इसको कवर कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और इसमें हमने गर्म पानी यूज़ किया था। तो 2 मिनट हो चुके हैं, इसे गार्निश करेंगे हरी धनिया से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमने हरी धनिया भी डाल दिया है, इसका कलर जो है कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तभी क्या करना है, इसको सर्व कर लेंगे, क्योंकि हमारी आलू की कतलियाँ पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसी तरीके से इसको सर्व करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसे आप रोटी के साथ और पराठे के साथ खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, आपके फैमिली को बच्चों को आलू की कतलियाँ बहुत पसंद आएंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।